हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू StudyIQ। StudyIQ में आपका स्वागत है। मैं मोहित जिंदल इस वीडियो में लेकर आया हूँ जून महीने की योजना मैगजीन का डिस्कशन। दोस्तों, ये इशू है योगा एंड अल्टरनेट सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन इन इंडिया पर। जाहिर सी बात है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू है, खासकर योगा की जिस तरीके से प्रोफाइल जो है वो इंटरनेशनली बढ़ रही है। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हम बनाते हैं और हमारे जो अल्टरनेटिव सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन है वो भी हमारी रिच हिस्ट्री और कल्चर का जो पार्ट है, तो उनके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना बहुत ज़रूरी है कि वो प्रैक्टिसेस क्या हैं, उनकी गवर्नेंस क्या है, ठीक है, और उनका फ्यूचर क्या है। तो इसी बारे में है ये इशू और ये है मेरी इंट्रोडक्शन। और आप इस PPT को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक ग्रुप से, दोनों का ही नाम IAS प्रेप विद मोहित है। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे, मेरा हैंडल है Jindal8Mohit। दोस्तों, ये हैं StudyIQ के पेन ड्राइव कोर्सेज। आप घर बैठ के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं StudyIQ.com पे, और दिए गए नंबर्स पे आप अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। तो देखेंगे इस इशू के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। सबसे पहले हम योगा का ओवरव्यू देखेंगे, फिर योगा और मेंटल हेल्थ का रिलेशन क्या है वो देखेंगे, फिर अल्टरनेट सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन इन इंडिया देखेंगे। इस ब्रॉड सेगमेंट के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि वर्ल्ड में मेडिसिन का एवोल्यूशन कैसे हुआ, बहुत ही क्विकली हम ये नज़र डालेंगे। फिर हम इंडिया में मेडिसिन की हिस्ट्री क्या रही वो देखेंगे, और उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी, सुवारिक्पा, नेचुरोपैथी। तो जैसे होम्योपैथी है या यूनानी है या सुवारिक्पा है, ये ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि इंडिया में ओरिजिनेट तो नहीं हुई, लेकिन ये इंडिया के अल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन का पार्ट है, क्योंकि ये हिस्ट्री में कभी ना कभी ये इंडिया में आई और ये जो एम्बाइब हो गई हमारे इंडियन मेडिसिनल प्रैक्टिस के अंदर। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे और फाइनली हम देखेंगे कि इंडियन अल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर ब्रॉड लेवल ऑफ गवर्नेंस फ्रेमवर्क क्या है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हम इस इशू के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि योगा का ओवरव्यू क्या है, योगा क्या है। तो ये जो ओवरव्यू है ये बेसिकली इस आर्टिकल से लिया हुआ है, द आर्ट ऑफ बींग एंड साइंस ऑफ वेलबींग बाय ईश्वर वी बासव राडी। तो दोस्तों, देखते हैं कि योगा क्या है। तो दोस्तों, योगा बेसिकली एक इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी है विच बिलोंग्स टू ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ हिंदुइज्म, ठीक है। तो दो स्कूल्स होते हैं, ऑर्थोडॉक्स और हेटरोडॉक्स। तो योगा फिलॉसफी जो है वो एज अ सिस्टमैटिक फिलॉसफी ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ हिंदुइज्म को बिलोंग करती है। तो दूसरे और स्कूल्स कौन से हैं, जस्ट आपके रिवीजन के लिए बताता हूँ। एक सांख्य है जो कि योगा के सबसे ज़्यादा क्लोज माना गया है, फिर न्याय है, वैशेषिक है, मीमांसा है और वेदांत है। ये कुल मिला के 6 मेजर ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ हिंदू फिलॉसफी माने जाते हैं। योगा फिलॉसफी का जो ओरिजिन है वो थोड़ा अनक्लियर है, लेकिन जो सबसे पहले रेफरेंसेस हैं योगा फिलॉसफी के वो हमें 1st millennium BC उपनिषद्स के अंदर मिलते हैं, ठीक है। और इनकी जो सिस्टमैटिक कलेक्शन है, जो योगा स्कूल ऑफ फिलॉसफी के जो आइडियाज़ हैं इनकी जो सिस्टमैटिक कलेक्शन है वो पाई जाती है योग सूत्र बाय पतंजलि। तो पतंजलि एक आचार्य थे, उनके योग सूत्र के अंदर इस नॉलेज को सिस्टमेटाइज किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है योगा एज अ फिलॉसफी की। अब देखते हैं कि योगा एज अ फिलॉसफी, जैसा कि मैंने कहा, ये सांख्य स्कूल के सबसे करीब माना गया है, लेकिन फिर भी इन दोनों स्कूल्स के अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं। वो डिफरेंसेस देखते हैं क्या हैं। तो अनलाइक सांख्य फिलॉसफी, योगा फिलॉसफी जो है वो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड में बिलीव करती है, ठीक है। इसके अलावा सांख्य स्कूल जो है वो बिलीव करता है कि जो मोक्ष की प्राप्ति है वो आप नॉलेज से कर सकते हैं, लेकिन जो योगा स्कूल ऑफ फिलॉसफी है वो इन एडिशन ये कहता है कि नॉलेज तो चाहिए, लेकिन इन एडिशन टू दैट कुछ सिस्टमैटिक प्रैक्टिस, पर्सनल एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो भी बहुत ज़रूरी है मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो इसीलिए पतंजलि जो कि योग सूत्र ऑफ पतंजलि में 8 लिम्स ऑफ योगा कहे गए हैं, जिनको 8 स्टेज भी माना जाता है योगा के। तो योगा फिलॉसफी ऐसा मानती है कि अगर आप इन 8 लिम्स को फॉलो करेंगे तो आप मोक्ष की जो प्राप्ति है वो कर सकते हैं। ये कुछ फाइन डिफरेंसेस हैं सांख्य फिलॉसफी और योगा फिलॉसफी में। प्रीलिम्स के अंदर इस फिलॉसफी के डिफरेंस के ऊपर सवाल ज़रूर आ सकता है, आपको पता होना चाहिए। अब हम नज़र डालते हैं कि ये जो 8 लिम्स हैं ये क्या हैं पतंजलि के। तो दोस्तों, ये जो 8 लिम्स हैं, आप ये लिस्ट पूरी देख सकते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 यानी कि अष्टांग योग भी बोला जाता है इसको, अष्टांग योग ऑफ पतंजलि, ठीक है। तो इनके फर्दर इनके कुछ मतलब हैं, इनमें कुछ प्रैक्टिसेस हैं, तो वो हम समझते हैं। और ब्रॉडली मैं एक चीज़ आपको बताऊं, तो ये जो पहले 6 हैं
ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप करते हैं, और ये जो आखिरी दो चीज़ें हैं ये आप कॉन्शियसली करते नहीं हैं लेकिन आपके साथ हो जाती हैं, समाधि और ध्यान जो है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या है ये हम समझते हैं। यम बेसिकली होता है कि कुछ रिस्ट्रेंट्स जो कि आपको अपने ऊपर लगाने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 5 रिस्ट्रेंट्स की बात की गई है योगा फिलॉसफी के अंदर। पहला है अहिंसा, यानी कि नॉन हार्मिंग, नॉन वायलेंस। दूसरा नॉन लाइंग, सत्य बोलना। तीसरा नॉन स्टीलिंग, अस्त्य जिसको बोला गया है। चौथा है ब्रह्मचर्य ऑफ ब्रह्मा, और फिफ्थ है अपरिग्रह यानी कि नॉन होर्डिंग। ठीक है, तो ये कुछ 5 रिस्ट्रेंट्स हैं जो कि योगा फिलॉसफी एक इंडिविजुअल को प्रिस्क्राइब करता है। इन 5 रिस्ट्रेंट्स के अलावा 5 ऑब्जर्वेंसेज हैं जिनको नियम बोला गया है, मतलब एज पार्ट ऑफ डेली डिसिप्लिन। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक तो क्लेनलीनेस मेंटेन करते हैं, कंटेंटमेंट प्रैक्टिस करते हैं, जील फॉर योगा तप करते हैं, फिर सेल्फ स्टडी करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। ठीक है, और फाइनली सरेंडर, ईश्वर प्रणिधान। ठीक है, तो ये कुछ 5 ऑब्जर्वेंसेज हैं और 5 रिस्ट्रेंट्स हैं जो कि पार्ट ऑफ योगा फिलॉसफी हैं। तो पहले तो आपको यम प्रैक्टिस करने हैं, फिर कुछ नियम प्रैक्टिस करने हैं, उसके बाद आप आसन पे आते हैं यानी कि पोजेस। एंड दिस इज द मोस्ट पॉपुलर कंसेप्शन ऑफ योगा फिलॉसफी जो कि हमें आम तौर पे देश और दुनिया में देखने को मिलती है, कि योगा फिलॉसफी को इक्वेट किया जाता है पोजेस से, यानी कि कुछ आसन से। ठीक है, लेकिन योगा फिलॉसफी जैसा कि मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ इज मच मोर देन दैट। आसन इज जस्ट वन ऑफ द 8 लिम्ब्स ऑफ योगा फिलॉसफी। ठीक है, तो पोज एक हो गया, फिर चौथा जो लिंब है वो है प्राणायाम, ब्रेथ। ये भी काफ़ी पॉपुलर माना जाता है योगा फिलॉसफी के अंदर, अलग अलग टाइप के प्राणायाम जो हैं वो अनुलोम विलोम कपाल भाति और ये सब, स्पेशली बाबा रामदेव जो हैं उन्होंने काफ़ी पॉपुलराइज किया इंडिया के अंदर कॉमन सिटीजन के लेवल पे योगा एज अ प्रैक्टिस को, पोज को और ब्रेथ को। फिर पांचवा जो स्टेज है वो है प्रत्याहार, जिसमें आप सेंसेस को विड्रॉ करते हैं, विड्रॉल ऑफ द सेंसेस। बहुत ही ज़्यादा जब आप सेंसेस को विड्रॉ करेंगे तभी आप इसके नेक्स्ट लेवल पे पहुंच पाएंगे, जो कि इंटेंस फोकस वाला स्टेज है जिसको धारणा बोला गया है। तो ये है छठवां स्टेज योगा फिलॉसफी का। और इसके बाद जब आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं फिर आप एक स्टेट ऑफ मेडिटेशन में पहुँच जाते हैं जिसको ध्यान बोला गया है। एंड फाइनली यू अचीव अ स्टेट ऑफ वननेस विद द गॉड जिसको समाधि बोला गया है। और इस स्टेट ऑफ वननेस को, इस यूनियन को ही योगा बोलते हैं। योग यानी कि यूनियन, प्रकृति का पुरुष से यूनियन। पुरुष और प्रकृति बेसिकली एक कंसेप्शन है सांख्य फिलॉसफी की, जिसमें पुरुष को एक अल्टीमेट कॉन्शियसनेस माना गया है और प्रकृति जो है जब वो योग की स्टेट में होती है तो वो पुरुष के साथ मिल जाती है। एक तरीके से आप ये समझें कि आत्मा का परमात्मा से मिलन। तो ये 8 स्टेजेस हैं योगा फिलॉसफी की। स्पेशली जो फिलॉसफी ऑप्शनल वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये बहुत डिटेल में पता होना चाहिए। और इन 8 स्टेजेस का ब्रॉड आइडिया जो है वो जीएस प्रीलिम्स के लिए आपको पता होना चाहिए, कि स्टेजेस की ऑप्शंस दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा योगा फिलॉसफी का पार्ट है या नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि योगा को प्रमोट कैसे किया जा रहा है। अब हमने योगा फिलॉसफी को समझ लिया, अब हम जानते हैं कि योगा को प्रमोट कैसे किया जा रहा है। आपको पता है 21 जून जो है वो यूनाइटेड नेशंस द्वारा इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये जो लोगो आप देख रहे हैं, इस लोगो का बहुत ही विशेष महत्व और मीनिंग है योगा फिलॉसफी को समझने के लिए। तो अगर मैं आपको इसका मतलब समझाऊँ तो इसके अंदर जो आप ये देख पा रहे हैं, ये एक इंसान है जिन्होंने हाथ जोड़ रखे हैं। फोल्डिंग ऑफ बोथ हैंड्स जो हैं दैट सिंबलाइजेज द यूनियन ऑफ इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस विद दैट ऑफ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, जो मैंने बताया आपको प्रकृति का पुरुष से जो मिलन है या आत्मा का जो परमात्मा से मिलन है वो दर्शाता है ये हाथ जोड़ने के पोज को। और दूसरा जो है जो अलग अलग कलर्स हैं इसमें, आप ब्राउन लीव्स देख पा रहे हैं, ब्राउन लीव्स बेसिकली अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रीन लीव्स जो हैं वो नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ब्लू कलर है ये वाटर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये 3 कलर्स जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नेचर एक तरह से लैंड है, और ये ट्रीज हैं, ठीक है, और ये आपका वाटर है। और ये जो आप येल्लो कलर देख पा रहे हैं ये सन की ब्राइटनेस है, ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स द फायर एलिमेंट, ठीक है, ऑफ द सन।
तो ये कुल मिला के जो पूरा एक यूनियन आप समझ सकते हैं पूरा नेचर का इंसान के साथ, इसी को हम योगा बोलते हैं। योग माने यूनियन। इसको 21 जून को बनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। और इस 21 जून का एक खास महत्व है, वो है मैं आपको आने वाली स्लाइड्स में आपसे सवाल पूछूंगा। तो दोस्तों ये जो लोगो है ये फिलॉसफी भी समझाता है, और बहुत ही प्यारा लोगो जो है वो डिज़ाइन किया गया है टू रिफ्लेक्ट द एसेंस ऑफ योगा फिलॉसफी। तो ये तो हुई इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के थ्रू हम कैसे प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो है हमने डेजिनेट करवाया, अन्य क्या चीज़ें कर रहे हैं इस योगा फिलॉसफी को प्रमोट करने के लिए। तो ये दोस्तों एक लिस्ट है, इनमें से आप जो भी पॉइंट्स याद कर सकें वो आप याद करने की कोशिश करें। मैं ब्रीफ में यहाँ डिस्क्राइब कर देता हूँ। जैसे यूनेस्को ने योगा को इंक्लूड किया हुआ है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की लिस्ट में, तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर योगा को नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के अंदर भी इंक्लूड किया गया है। योगा को स्कूल करिकुलम के अंदर प्रमोट किया जा रहा है, उसका पार्ट बना दिया गया है। योगा का सर्टिफिकेशन बोर्ड है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। फिर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के अंदर योगा डिपार्टमेंट जो हैं वो 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अलग से डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। एक स्टैंडर्ड योगा का सिलेबस बनाया गया है फॉर एग्जांपल बीएससी एमएससी पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए। फिर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एनईटी का जो एग्ज़ाम है वो भी योगा में होता है, ताकि लोगों को जो रिसर्च फेलोशिप है वो मिल सके। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बेसिकली इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस जो एक संस्था है वो योगा टीचर्स को डिप्यूट करता है टू इंडियन मिशंस जो कि अब्रॉड होते हैं, ताकि वो लोकल स्टूडेंट्स और टीचर्स जो हैं उनको ट्रेनिंग दे सकें, ताकि देश दुनिया के अंदर जो है योगा फिलॉसफी जो है वो एक तरीके से हम स्प्रेड कर सकें। फिर ICCR इसी संस्था ने एक MOU साइन कर रखा है विद यूनान मिंजू यूनिवर्सिटी चाइना टू एस्टैब्लिश योगा कॉलेज नेम्ड इंडिया चाइना कॉलेज ऑफ योगा। इसके अलावा योगा ओलंपियाड जो है वो इनिशिएटिव लिया है स्कूल चिल्ड्रन के लिए NCERT ने। योगा ट्रेनिंग दी जा रही है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा है और ये योगा ट्रेनिंग कराती है, और 1385 मास्टर योगा ट्रेनर्स हैं। ऑल्दो इतनी डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से ब्रॉडली आप बस कुछ पॉइंट्स जो भी आपको याद हों वो आप याद कर सकते हैं जो सरकार ले रही है टू प्रमोट योगा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन एक तरीके से मेंस में आ सकता है कि एज पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर क्वेश्चन कि इंडिया जो है गवर्नमेंट जो है वो योगा को प्रमोट करने के लिए क्या कर रही है और एक्स्ट्रा चीज़ें और क्या की जा सकती हैं, ठीक है। फिर नेशनल आयुष मिशन है, आयुष में ए जो है वो आयुर्वेदा है, वाई जो है वो योगा है, तो आयुष मिशन है ये भी योगा को प्रमोट करती है। फिर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पे प्राइम मिनिस्टर अवार्ड्स दिए जाते हैं, 2 नेशनल और 2 इंटरनेशनल अवार्ड्स दिए जाते हैं इन द फील्ड ऑफ योगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो योगा को प्रमोट करने के लिए सरकार कर रही है, ठीक है। तो अब हम अगले आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक हम सवाल कर लेते हैं। मैंने अभी डिस्कशन किया था ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी का, जिसमें मैंने आपको 5 स्कूल्स बताए थे। इसके अलावा मैंने बात की थी कि हेटरोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी भी एग्जिस्ट करते हैं, तो आप इनमें से बताएं कि कौन से हेटरोडॉक्स स्कूल हैं या नहीं है। तो चार्वाक, अजीविका, बुद्धिज्म या ऑल ऑफ द अबव, तो इसका आंसर दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिखें। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैंने इस PPT के अंदर 5-6 सवाल और हैं, तो आप एक पेपर और पेन लेकर बैठिए, उसमें आप अपने आंसर्स नोट करते रहें और वीडियो के एंड में आप इसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की ओर। अगला आर्टिकल है हमारा योगा एंड मेंटल हेल्थ पे, जो कि BN गंगाधर, शिव रामा वरम्बली और रश्मि असर अरसप्पा ने लिखा है। योगा मेंटल हेल्थ को बेसिकली कैसे इन्फ्लुएंस करता है, ये उस चीज़ पे एक आर्टिकल है, या कैसे प्रमोट करता है। योगा को एक होलिस्टिक हेल्थ सिस्टम की तरह डिस्क्राइब किया गया है, और योगा के हिसाब से जो डिजीजेज़ होते हैं दे आर कॉज्ड बाय स्ट्रेस, रॉन्ग डाइट, रॉन्ग एक्सरसाइज एंड बैड हैबिट्स, ठीक है। तो योगा जो है वो पॉजिटिव हेल्थ इंड्यूस करता है बाय रिलैक्सिंग द होल बॉडी, मेकिंग रेस्पिरेशन क्वाइट एंड डीप। रिलैक्सिंग द होल बॉडी, आपको याद है हमने आसन एक फेज किया था, ये एक प्राणायाम फेज था, और फिर कामिंग द माइंड। तो आप अलग अलग स्टेजेस जब हैं जो अचीव करते रहेंगे तो आपको ये सब जो चीज़ें हैं ये आपकी बॉडी के साथ होती रहेंगी। तो योगा जो है वो पॉजिटिव हेल्थ इस तरह से लेकर आता है। अब हम देखते हैं कि साइंटिफिक रिसर्च क्या कहती है। तो निमहांस बैंगलोर में जो संस्था है उसने स्टडी किया है कि जो योगा है उसका कुछ बायोलॉजिकल पैरामीटर्स पे काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, जैसे वो कॉर्टिसोल लेवल्स को रिड्यूस करता है। कॉर्टिसोल्स क्या होते हैं? कॉर्टिसोल्स बेसिकली स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो कॉर्टिसोल रिलीज करती है,
ठीक है। कॉर्टिसोल्स बेसिकली हमारा एक बिल्ट इन अलार्म सिस्टम है, मेन स्ट्रेस हार्मोन है, ये ब्रेन के साथ काम करता है टू रेगुलेट आर मूड, मोटिवेशन एंड फियर। और ये जो कॉर्टिसोल्स हैं ये कौन से ग्लैंड्स रिलीज करते हैं, ये एड्रीनल ग्लैंड्स जो हैं वो रिलीज करते हैं कॉर्टिसोल्स। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हुआ निमहांस बैंगलोर के अंदर वो ये था कि पेशेंट्स के अंदर न्यूरो इन्फ्लेमेशन जो है वो डिक्रीज की योगा प्रैक्टिस में। तो ये जो चीज़ें हैं निमहांस बैंगलोर ने बेसिकली एक साइंटिफिक एविडेंस जो है वो जनरेट करने की कोशिश की है टू बैक द बेनिफिट्स ऑफ योगा ऑन ह्यूमन बॉडी। तो उन्होंने ऐसा पाया है कि योगा को एक एड ऑन थेरेपी की तरह यूज़ किया जा सकता है या कुछ साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स के लिए उसको एज अ सोल थेरेपी भी यूज़ किया जा सकता है, मतलब सिर्फ योगा से उनको ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इंक्रीज इन ब्रेन वॉल्यूम पाया गया विद योगा प्रैक्टिस इन एल्डरली सब्जेक्ट्स, तो ये लेफ्ट हिप्पोकैम्पस है, राइट हिप्पोकैम्पस है। ठीक है, इसके अलावा ब्रेन मैपिंग की गई है, जैसे आप इस फोटो में देखें ये ब्रेन मैपिंग टूल है, तो योगा प्रैक्टिस करने के बाद ब्रेन की एक्टिविटी कैसे इफेक्ट इन्फ्लुएंस होती है वो इससे पता लगता है, तो इससे काफ़ी बेनिफिशियल रोल पाया गया है योगा का ऑन ब्रेन एक्टिविटी। तो योगा बेसिकली पॉजिटिव मेंटल हेल्थ कैसे प्रमोट कर सकता है, इसके कुछ फाइनल पॉइंट्स हैं, जैसे कि फूड। तो योगा प्रिस्क्राइब करता है कि आपका जो कैपेसिटी है खाने का वो लगभग 50% जो है वो आप फूड से पूरा करें, 25% वाटर से पूरा करें और 25% खाली छोड़ दें हवा के लिए। तो ये फूड प्रिस्क्राइब करता है योगा फिलॉसफी। फिर विहार है, यानी कि रिलैक्सेशन, आप आसन करें, मेडिटेशन करें, स्लीप करें ठीक से, कंडक्ट आपका कैसा हो, अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल में रखें, थिंकिंग कैसी हो, विचार कैसा हो, थॉट्स को कंट्रोल रखें। फिर व्यवहार, बिहेवियर, आप राइट एक्शंस करें। तो ये बेसिकली पांच जो पॉइंट्स हैं ये योगा प्रिस्क्राइब करता है फॉर पॉजिटिव मेंटल हेल्थ। ऑल्दो दोस्तों इसमें से सवाल जो है वो थोड़ा अनलाइकली है, लेकिन आपको ब्रॉडली आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं, एंड इट इज़ नॉट जस्ट फॉर एग्ज़ाम, ये आप अपनी खुद की लाइफ के लिए इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और आप उसको और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं अपने जीवन को। तो बढ़ते हैं अगले MCQ की ओर। साइनैप्स इज पार्ट ऑफ विच सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम या रिप्रोडक्टिव सिस्टम? तो दोस्तों इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की ओर, जो कि है अल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया। ये लिखा है चंद्रकांत लहरिया जी ने। दोस्तों इस आर्टिकल को मैंने स्प्लिट किया है दो पार्ट्स में। पहले अभी जो हम डिस्कशन करेंगे वो हम अलग अलग स्कूल्स जो हैं, मतलब बेसिक अलग अलग सिस्टम्स जो हैं, यानी कि आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इन सब की करेंगे। दूसरा पार्ट है इस आर्टिकल का कि ASM के अंदर गवर्नेंस कैसे हो रही है, वो हम इन सारे सिस्टम्स की डिस्कशन के बाद एंड में, मैंने कुछ स्लाइड्स इस चीज़ पे बनाई हैं कि ASM के अंदर, यानी कि अल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर गवर्नेंस फ्रेमवर्क क्या है। तो सबसे पहले हम सिस्टम्स की स्टडी करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। तो सबसे पहले समझते हैं कि ओवरऑल वर्ल्ड वाइड मेडिसिन का एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो 3500 अर्ली मेडिसिन प्रैक्टिसेस जो हैं वो लगभग हर कल्चर में आनी शुरू हुई, होनी शुरू हुई। फिर अराउंड 200 BC ये जो प्रैक्टिसेस थी जो इंडिविजुअली डेवलप हो रही थी, यानी कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, इन सब में जो इंडिविजुअली बन रही थी, प्रैक्टिसेस हो रही थी, ये प्रैक्टिसेस ने एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करना शुरू किया अराउंड 200 BC एंड अराउंड 800 AD एक मेजर कन्वर्जेंस आना शुरू हुआ इन प्रैक्टिसेस में, कि एक के जो स्टडीज थी या मेडिकेशंस थी या प्रिंसिपल्स थे वो दूसरे स्कूल्स जो हैं या दूसरी सिविलाइजेशंस जो हैं वो एम्बाइब करने लगी या उन्होंने उनकी प्रैक्टिसेस को इन्फ्लुएंस किया। ठीक है, तो इन्फ्लुएंस वाला फेज और उसके बाद एक कन्वर्जेंस वाला फेज जो है वो हमें देखने को मिलता है। फिर मिड 18th century के अराउंड साइंटिफिक और मॉडर्न मेडिसिन की बिगनिंग होती है और मिड 19th century में एलोपैथी को डिस्टिंग्विश किया जाता है होम्योपैथी से और ये करते हैं CFS हानेमान। तो ये तो था एवोल्यूशन ऑफ मेडिसिन इन एंटीक्विटी। इसको थोड़ा सा हम अलग अलग ज्योग्राफी के हिसाब से भी देख लेते हैं। इजिप्शियन सिविलाइजेशन बेसिकली 2800 BC इन द डेज ऑफ इम्होटेप ये काफ़ी एडवांस मेडिसिन जो है वो डेवलप करना शुरू किया। चाइनीज मेडिसिन जो है उनके रिकॉर्ड्स जो हैं वो 2700 BC से वो प्रैक्टिस कर रहे थे मेडिसिन, उसके रिकॉर्ड्स हैं। मेसोपोटामियन यानी कि इराक, जो मॉडर्न डे इराक है, वहाँ पे जो सिविलाइजेशन थी उन्होंने कोड्स ऑफ हमूराबी इन द
नेम ऑफ किंग ऑफ बेबीलोन वो फॉर्मुलेट किए अराउंड 2000 BC. और ग्रीक मेडिसिन जो है वो तो आपको पता है कि एस्कैल्पस और हिप्पोक्रेट्स के टाइम पे जो डेवलप हुई ग्रीक मेडिसिन, और हिप्पोक्रेट्स को इनफैक्ट फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है, और डॉक्टर्स जो हैं वो इन्हीं की ओथ लेते हैं, हिप्पोक्रेटिक ओथ. ठीक है, फिर रोमन मेडिसिन जो है, रोमन मेडिसिन ग्रीक मेडिसिन से ही इमर्ज हुई, और रोमन मेडिसिन का जो फोकस था वो ओवरऑल फोकस था, यानी कि प्रिवेंटिव पे भी फोकस था. ये एक खास बात थी रोमन मेडिसिन की, क्योंकि इससे पहले के जो स्कूल्स थे वो सारे क्यूरेटिव मेडिसिन डेवलप कर रहे थे, प्रिवेंटिव प्रिवेंशन पे उनका ज़्यादा फोकस नहीं था. गैलन जो हैं वो काफ़ी फेमस रोमन मेडिकल टीचर थे, जिनकी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रही रोमन मेडिसिन पे. फिर हम आते हैं अरब मेडिसिन पे, 500 AD से लेके 1500 AD तक ग्रीको रोमन मेडिकल लिटरेचर जो है वो अरबिक में ट्रांसलेट हुई, जिससे अरबिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है, जिसको यूनानी सिस्टम भी कहा जाता है, वो डेवलप होना शुरू हुआ इन बगदाद, डमास्कस और कायरो, जो कि उस टाइम की बहुत ही गोल्डन सिटीज़ मानी गई हैं वर्ल्ड की उस टाइम पे. ठीक है, तो 800 से 1300 AD रफली बोला जाता है गोल्डन पीरियड इन अरबिक मेडिसिन, और इसके इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ क्या थी, अबू बकर और इब्न सिना, जिनको एविसिना भी बोला जाता है, ये दो लीडर्स थे अरब मेडिसिन के. तो दोस्तों ये तो ग्लोबली एक ओवरव्यू है कि अलग अलग सिस्टम्स में क्या क्या टाइम पीरियड के हिसाब से चल रहा था. अब हम थोड़ा इंडियन सिस्टम को थोड़ा डिटेल में देखते हैं. तो इंडियन सिस्टम को अगर आपने समझना हो हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, तो उसको हम कुछ फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं. पहले एंशियंट इंडियन मेडिसिन, फिर इंडियन मेडिसिन इन मिडिवियल टाइम्स, इंडियन मेडिसिन ड्यूरिंग द 19th century एंड फर्स्ट हाफ द 20th century, और उसके बाद तो इंडिपेंडेंस के बाद फेज़ है. तो इसमें अगर मैं ब्रॉडली बात करूं तो एंशियंट इंडियन मेडिसिन में हम बात करते हैं आयुर्वेद की, मिडिवल टाइम्स में हम बात करते हैं यूनानी की, और आयुर्वेदा के साथ एंशियंट में हम सिद्धा की भी बात करते हैं. तो आयुर्वेदा और सिद्धा, यहाँ पे यूनानी, और उसके बाद हम 19th century फर्स्ट हाफ 20th century में जब आते हैं तो होम्योपैथी और एलोपैथी जो है वो इंडिया में आने लगती है. पोस्ट इंडिपेंडेंस हम सारे स्कूल्स की इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट देख सकते हैं विद इंक्रीजिंग कन्वर्जेंस इन 21st century. तो अब इन फेजेस को थोड़ा देखते हैं. सबसे पहले हम एंशियंट इंडियन मेडिसिन में आयुर्वेदा देखेंगे. तो आयुर्वेदा की जो डिस्कशन है वो इस आर्टिकल से ली गई है, आयुर्वेदा 50 ईयर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया. तो आयुर्वेदा समझेंगे. विद आर्यन इन्वेजन ऑफ इंडिया, वैदिक पीरियड जो था इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में वो स्टार्ट हुआ. और आयुर्वेदा जो है वो अलग से वेद नहीं है, बल्कि एक उप अंग है अथर्व वेद का. ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आयुर्वेदा जो है वो किस वेद का पार्ट है, वो अथर्व वेद का पार्ट है. ठीक है, और आयुर्वेदा का जो मतलब है, इट मींस नॉलेज ऑफ लाइफ. ठीक है, तो ये कुछ बेसिक है. और क्योंकि अथर्व वेद से डिराइव्ड है या उसका पार्ट है, दिस गिव्स इट अ डिवाइन अथॉरिटी. बेसिक्स क्या हैं आयुर्वेदा के? आयुर्वेदा एज अ सिस्टम ऑफ मेडिसिन का जो बेसिस है वो ये है, उसमें मैन की जो कंसेप्शन है, मतलब एक ह्यूमन बॉडी की जो कंसेप्शन है, वो एक एंटायरिटी में ली जाती है, यानी कि फिजिकल और बायोलॉजिकल. फिजिकल मतलब जो केमिकल एलिमेंट्स हो गए अंदर, जो आप खाना खा रहे हैं, जो पानी है वो सब, और बायोलॉजिकल जिसमें साइकोलॉजिकल, माइंड और स्पिरिचुअल, ये दोनों चीज़ें इंक्लूडेड हैं. तो एक होलिस्टिक कंसेप्शन है मैन की, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन के अंदर अब स्पिरिचुअल जो है वो इंक्लूड नहीं करते हैं, अब मेनली केमिकल लेते हैं एंड इंक्रीजिंगली नाउ साइकोलॉजिकल ऑल्सो. ठीक है, तो आयुर्वेदा के अंदर ऐसा माना जाता है कि यूनिवर्स जो है, जिसमें सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं यूनिवर्स के, वो पांच बेसिक एलिमेंट से बने हुए हैं, पंच महाभूत, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्काई. ये पांच बेसिक एलिमेंट से हर चीज़ बनी हुई है, और इन्हीं पांच बेसिक एलिमेंट्स के इम्बैलेंस से चीज़ें जो हैं वो होती हैं. तो इस मेडिसिन सिस्टम के अंदर, आयुर्वेदा के अंदर, तीन ह्यूमर्स होते हैं, तीन बेसिकली आप कैरेक्टरिस्टिक्स मान लें चीज़ों के. एक है कफ, फ्लेग्म जिसको बोलते हैं, एक है वट जिसको विंड भी बोलते हैं, और पित जो कि बाइल है. तो फ्लेग्म जो है ये बेसिकली एक वाटरी एलिमेंट है. ठीक है, वट जो है ये एक एयरी एलिमेंट है, और पित जो है ये बेसिकली एक बाइल एलिमेंट है. ठीक है, फायर जिसको बोलते हैं. ठीक है, जब ये तीन ह्यूमर्स जो हैं, मतलब आप ये समझ लें कि ये जो तीन कैरेक्टरिस्टिक समझ लें, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, जब ये तीन चीज़ें एक बैलेंस प्रमोशन में रहती हैं, प्रपोर्शन में रहती हैं, तो आप अच्छी हेल्थ होती है आपकी. अगर इन तीन ह्यूमर्स में एक इम्बैलेंस आ जाए तो डिजीज़ होता है. और फर्दर इन तीन दोषों को, त्रिदोष जो बोला गया है, ये कनेक्टेड होते हैं तीन टाइप के गुणों से. ठीक है,
सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण. सत्व गुण जो है इट इज एसोसिएटेड विद गुडनेस, कंस्ट्रक्टिव एंड इट इज हारमोनियस. रजस जो है वो पैशन, एक्टिव और कंफ्यूज्ड. तमस जो है वो डार्कनेस, डिस्ट्रक्टिव और क्योटिक. ये तीन गुण होते हैं चीज़ों के अंदर, सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण. ठीक है, और ये जो तीन दोष हैं कफ, वत और पित, ये कनेक्टेड हैं इन तीन गुणों के साथ. इसके अलावा फूड और मेडिसिन जो हैं उनको क्लासीफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर कूलिंग और हीटिंग इफेक्ट्स. आयुर्वेदा में माना जाता है कि कुछ चीज़ें आपकी बॉडी में गर्मी करती हैं और कुछ चीज़ें ठंडक लाती हैं. ठीक है, तो ये जो आप डायग्राम देख सकते हैं, ये जो आपके तीन दोष हैं वट, कफ और पित, ये जो मैं आपको बता रहा था कि वट जो है ये एयरी एलिमेंट होता है. ठीक है, तो इट इज़ एसोसिएटेड विद लाइट मूवमेंट और कोल्ड. ऐसे ही कफ जो है, ठीक है, ये बेसिकली अर्थ और वाटर जो है उससे एसोसिएटेड है. और पित जो है ये फायर और वाटर से एसोसिएटेड है. ठीक है, आपको इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ब्रॉडली आपको पता होना चाहिए. इससे जो याद करने वाली चीज़ है कि तीन दोष होते हैं, ये तीन दोष जो हैं ये पांच एलिमेंट से एसोसिएटेड हैं. ये जो बाहर आपको स्टार दिख रहा है और इनके कुछ ब्रॉड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये बाहर वाले आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अंदर वाला डायग्राम आप ब्रॉडली ध्यान में रख सकते हैं. ठीक है, मेडिकेशन कैसे होती है आयुर्वेदा में? आयुर्वेदा के अंदर जो एनाटॉमिकल नॉलेज है वो कैसे प्राप्त की गई? एनिमल्स के सैक्रिफाइस से, बैरिड बॉडीज़ जो कि इम्प्रॉपरली बैरिड बॉडीज़ थी उनकी ऑब्जर्वेशन से, फिर पेशेंट के फिजिकल एग्जामिनेशन से. तो इन तीन चीज़ों से हमें नॉलेज प्राप्त हुई आयुर्वेदा के अंदर. इसके ट्रीटमेंट में डाइट की एक ऑब्जर्वेंस जो है वो बहुत ही एसेंशियल पार्ट है ट्रीटमेंट का. और बहुत सारी जो मेडिसिंस हैं वो हर्बल, मतलब इनिशियली वो हर्बल मेडिसिंस होती थी, मतलब प्लांट से डिराइव होती थी, लेकिन उसके बाद एक रस पीरियड शुरू हुआ जिसके अंदर मेटल्स जो हैं, मिनरल्स जो हैं, उनको भी यूज़ किया गया, जैसे आयरन, जिंक, कॉपर, लेड, गोल्ड और मरकरी. बाकी मरकरी टॉक्सिक मेटल होता है, लेकिन इसको भी यूज़ किया जाता है आयुर्वेदा के अंदर. ठीक है, तो ये बेसिक कुछ मेडिकेशन के फंडे हैं आयुर्वेदा के अंदर. फिर हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट वर्क्स क्या रहे आयुर्वेदा में. तो दो जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क्स रहे वो रहे सुश्रुत संहिता और चरक संहिता. ये फाउंडेशनल टेक्स्ट्स हैं आयुर्वेदा के. और सुश्रुत संहिता बेसिकली सुश्रुत ने लिखी थी, जो कि एक फेमस फिजिशियन और सर्जन थे. चरक जो थे वो लगभग मिड सेकेंड सेंचुरी BC में रहे और ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाते थे. आचार्य वाघभट जो थे उन्होंने 400 AD के अराउंड चरक संहिता और सुश्रुत संहिता को कंबाइन किया टू प्रोड्यूस अ कंसाइज कॉम्पोजिशन नोन एज अष्टांग संग्रह. काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में कभी भी पूछ सकते हैं. इसके अलावा जो कुछ और इंपॉर्टेंट वर्क्स थे वो भी देख लेते हैं. वाघभट ने अष्टांग हृदय भी लिखा, जिसके अंदर उन्होंने आयुर्वेदिक नॉलेज को प्रोज फॉर्म से वर्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, विच इज़ ईजियर टू मेमोराइज. ठीक है, फिर माधव निधान 700 AD के अराउंड श्रृंगदार संहिता 1300 AD, भाव प्रकाश 1600 AD और कश्यप संहिता और अदर इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ आयुर्वेदा पब्लिश्ड एट अ लेटर पीरियड. तो ये कुछ वर्क्स हैं, बहुत ही फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आप याद कर सकते हैं जिसको भी करना है. अब देखते हैं कि आयुर्वेदा में गवर्नेंस का क्या सीन है. 1953 में सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर आयुर्वेदा बनी. 63 के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिसिन बना एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस में. 69 के अंदर सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी बना. 1978 के अंदर सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा एंड सिद्धा बना, जिसको बाइफरकेट कर दिया गया 2011 में. यानी कि आयुर्वेदा की एक अलग से सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च बना दी और सिद्धा की अलग से. और ये प्राइम इंस्टीट्यूशन है फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा. तो अगर मॉडर्न डे आप पूछें कि आयुर्वेदा में रिसर्च कौन कर रहा है, तो ये लोग रिसर्च कर रहे हैं, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा. फिर 2014 में आयुष एक फुल फ्लेज्ड जो है वो मिनिस्ट्री बन गई. तो ये कुछ आयुर्वेदा के गवर्नेंस के पॉइंट है. अगेन ये आपसे कोई पूछेगा नहीं, आपको खासकर ये पता होना चाहिए और रिसर्च कौन कर रहा है ये पता होना चाहिए. अब एक MCQ कर लेते हैं. नेशनल आयुर्वेदा डे जो है इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है किस लॉर्ड की बर्थ एनिवर्सरी पे? तो उस लॉर्ड की जो फोटो है वो आप राइट साइड पर देख सकते हैं. इनके हाथ में ये आयुर्वेदा है. इनका नाम जो है वो आप कॉमेंट सेक्शन में लिखें. आगे बढ़ते हैं, सिद्धा सिस्टम की बात करेंगे. सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन अ नटशेल. तो सिद्धा मेडिसिन बेसिकली कुछ एंशियंट मेडिकल प्रैक्टिसेस से एसोसिएटेड है, जो कि लॉन्जेविटी यानी कि ह्यूमन लाइफ को प्रोलॉन्ग करने के लिए प्रैक्टिस की जाती थी. ठीक है, और ये जो सिद्धा मेडिसिन है इट ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू 18 सिद्धास.
ये 18 सेंट्स आप लगा लें, सिद्धार्थ जिनको बोला गया है, ये तमिलनाडु में थे, उनको ट्रेस किया जाता है सिद्धा मेडिसिन का ओरिजिन। सिद्धा का मतलब है सिद्ध, मतलब अचीवमेंट। और बेसिकली ये आयट्रोकेमिस्ट्री जो है वो प्रैक्टिस करते थे। आयट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली क्या होती है, इट सीक्स टू प्रोवाइड केमिकल सॉल्यूशंस टू डिजीजेस। ठीक है, तो आयट्रोकेमिकल फॉर्मुलेशंस जो हैं वो ये बनाया करते थे। ऑल दो ये इंपॉर्टेंट नहीं है जानना, बट ब्रॉडली आपको टर्म पता हो तो अच्छी बात है। सिद्ध जो सिस्टम है, इट इज़ मोस्ट प्रोमिनेंट इन तमिलनाडु, बट इट इज़ ऑल्सो पॉपुलर इन अदर सदर्न स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और केरला। और जाहिर सी बात है, क्योंकि ये एंशियंट इंडियन मेडिसिन की हम बात कर रहे हैं, और द्रविडियन जो रूल था वो आउटसाइड इंडिया भी था, जैसे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, मॉडर्न डे मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, उन सब में भी सिद्धा मेडिसिन जो है वो आज भी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की जाती है। तो आउटसाइड इंडिया इट इज़ कॉमन इन श्रीलंका, मलेशिया एंड सिंगापुर, वेयर द ड्रविडियन सिविलाइजेशन हैड टेकन रूट्स। ठीक है, बेसिस क्या है सिद्धा का, तो बिल्कुल आयुर्वेदा की तरह हर एलिमेंट जो है, हर चीज़ जो है वो पांच बेसिक एलिमेंट से बनी हुई है, अर्थ, वाटर, एयर, फायर, एयर एंड स्काई। और फूड जो है, और जो ह्यूमन बॉडी जो भी ड्रग्स लेती हैं या जो फूड लेती है, वो इन फाइव एलिमेंट से बने होते हैं। इन फाइव एलिमेंट्स के प्रपोर्शन से ही डिसाइड होता है कि इंसान जो है वो हेल्दी है या नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आयुर्वेदा की तरह इसमें भी तीन ह्यूमर्स होते हैं, त्रिदोष, वधम, पिथम और कफम, बिल्कुल सेम। उसमें वट था, पित था और कफ था। ठीक है, तो इनके इक्विलिब्रियम से हेल्थ प्रमोट होती है, और इनके डिस्टर्बेंस और इम्बैलेंस से डिजीज़ और सिकनेस जो है वो बॉडी में इंड्यूस होती है। तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है आयुर्वेदा की तरह। सिद्धा ट्रेडिशन जो है, उसकी जो मेडिसिन है वो बेसिकली, उसमें मिनरल्स और मेटल्स भी हैं, मैनी ऑफ विच आर टॉक्सिक, बिल्कुल सिमिलर टू रस शास्त्र ऑफ आयुर्वेदा। इसके अलावा सिद्ध जो एज अ फिलोसफी को, एज अ सिस्टम ऑफ मेडिसिन को पेट्रनेज मिली तमिल किंग सी, जिससे ये काफ़ी फैला। इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने इसको एक्टिवली इनकरेज किया है। इसके अंदर गवर्नेंस देख लेते हैं। तमिलनाडु जो है वो 5.5 साल का एक कोर्स रन करती है हम सिद्धा मेडिसिन, बैचलर इन सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो भी सिद्धा पे फोकस करती है, लाइक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा जो है वो इन्होंने इस्टेब्लिश किया। फिर सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सिद्धा जो है वो भी वो रिसर्च करती है। मैंने आपको बताया था ये 2011 के अंदर बाइफरकेट हुआ था, पहले ये कंबाइंड था। ठीक है, अब एक MCQ कर लेते हैं सिद्धा मेडिसिन खत्म करने के बाद। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कोइंसाइड्स विद स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ऑटम इक्विनॉक्स, समर सॉल्स्टिस या विंटर सॉल्स्टिस? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। अब हम बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की ओर, जो कि है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, द साइंस ऑफ हेल्थ एंड हीलिंग बाय आसिम अली खान। तो यूनानी सिस्टम को समझते हैं। यूनानी सिस्टम, जैसे मैंने आपको बताया था, ये ग्रीको अरबिक मेडिसिन जो है वहाँ से ये अपना ओरिजिन ट्रेस करती है, जब इनकी टीचिंग्स जो है, इनके टेक्स्ट जो हैं वो अरबिक में कन्वर्ट हुए। ठीक है, इनकी जो टीचिंग्स थी, मतलब ग्रीको अरबिक मेडिसिन, बेसिकली जो ग्रीक फिजिशियन हिपोक्रेट्स थे और जो रोमन फिजिशियन गैलन थे, मैंने आपको बताया था ये सबसे फेमस फिजिशियंस थे, इनके वर्क्स को बेसिकली ट्रांसलेट किया गया। ठीक है, और तब अरब फिजिशियंस जो थे उनको पता लगने शुरू हुआ कि ग्रीक मेडिसिन के बारे में, और उसको यूज़ करके और अपनी नई फाइंडिंग्स को यूज़ करके उन्होंने यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन बनाया। और इसके जो चीफ प्रोपोनेंट्स थे वो थे हाकिम इब्न सिना और अबू बकर, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ग्रीक और रोमन मेडिसिन के अलावा ये इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो कि सुश्रुत और चरक प्रमोट कर रहे थे, उनसे भी ये इन्फ्लुएंस्ड थे। यूनानी का बेसिस क्या है, इट इज़ वेरी क्लोज टू आयुर्वेदा। इसमें इंस्टेड ऑफ 3 देर आर 4 ह्यूमर्स, और उनमें से 2 जो हैं वो बिल्कुल सेम है, फ्लेगम जैसे उसमें और ब्लड, तो बलगम जिसको बोलते हैं, फिर दम, ब्लड यानी कि, और बाइल जो है वो 2 तरह के हैं, सफरा और सौदा, येलो बाइल और ब्लैक बाइल। दोस्तों ये सब बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ ब्रॉड एक आइडिया देने के लिए आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपको मेंस में नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो ये 4 ह्यूमर्स हैं और इन्हीं के प्रपोर्शन और डिसप्रपोर्शन से डिजीज़ जो है वो डिफाइन होता है। ठीक है, तो ये यूनानी का बेसिस है। अब देखते हैं कि इंडिया में यूनानी कैसे आया। जब मंगोल्स ने पर्शिया और सेंट्रल एशिया की सिटीज़ को सैक कर दिया, जैसे शिराज, तबरेज और गलन जो थे, तो स्कॉलर्स और फिजिशियंस जो थे यूनानी मेडिसिन के, दे फ्लेड टू इंडिया। और इसके अलावा जो दिल्ली सुल्तान्स थे,
दिल्ली सुल्तान खिलजी हो गए, तुगलक्स हो गए और मुगल एम्प्रेस जो थे, इन्होंने स्टेट पेट्रनेज दी इन फिजिशियंस को जो कि इंडिया आए थे, और इसकी वजह से यूनानी मेडिसिन जो है वो इंडिया में चलनी शुरू हुई। अकबर की रेन को गोल्डन पीरियड कहा जा सकता है, यूनानी का गोल्डन पीरियड नहीं, फ्लरिशिंग पीरियड, कि इसके दौरान, अकबर की रेन के दौरान यूनानी एज अ सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है वो काफ़ी फ्लरिश किया इंडिया में। तो यूनानी और आयुर्वेदा की जाहिर सी बात है कुछ इंट्रैक्शंस भी रही। इंट्रैक्शंस कैसी रही? काफ़ी मेडिकल वर्क्स जो थे वो कंपाइल किए गए और जिसमें आयुर्वेदा की काफ़ी इन्फ्लुएंस हुई यूनानी सिस्टम पे। भाव प्रकाश जो थे उनके वर्क से हमें पता लगता है कि आयुर्वेदा जो है उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो हैं वो यूनानी से भी बोरो की, क्योंकि टू एंड फ्रो इन्फ्लुएंस था। ऐसा नहीं था कि यूनानी ने आयुर्वेदा से लिया, बट आयुर्वेदा ने भी यूनानी से कुछ चीज़ें ली, जैसे कि हनबेन, रुबाब और ओपियम, ये कुछ इंपॉर्टेंट बोरोइंग्स थी फ्रॉम यूनानी मेडिसिन। फिर मुस्लिम हकीम्स और हिंदू वैद्यस जो थे वो काफ़ी कॉपरेट करके साथ में काम करते थे। तो ये कुछ इंट्रैक्शन रहा यूनानी और आयुर्वेदा का। ब्रिटिश एरा में क्या हुआ? आयुर्वेदा और यूनानी मेडिसिन को काफ़ी सेटबैक हुआ क्योंकि वेस्टर्न मेडिसिन आई। इन स्पाइट ऑफ दी सेटबैक्स आयुर्वेदा और यूनानी मेडिसिन जो है वो चलते रहे और पोस्ट इंडिपेंडेंस तो है काफ़ी ज़्यादा फोकस इंडिया का, इंडियन गवर्नमेंट का इनको प्रमोट करने पे रहा है। यूनानी के कुछ बहुत प्रोमिनेंट और फेमस प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपने सुने होंगे, जैसे कि रोगन बैजा मुर्ग, रोगन बादाम शीरीन, जिसको हेयर केयर के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड पे आप ये रोगन बादाम शीरीन देख सकते हैं हमदर्द का। फिर रूह अफ़ज़ा जो है ये भी हमदर्द दवा खाना आप देख सकते हैं, ये भी एक यूनानी एक तरह से मेडिसिन जो है उसकी तरह इसको मानते हैं, इसका ओरिजिन जो है ये यूनानी मेडिसिन के अंदर है। फिर रोगन बैजा मुर्ग एग ऑयल जिसको बोलते हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और फेमस प्रोडक्ट है यूनानी मेडिसिन का। ठीक है, अब एक MCQ कर लेते हैं। नमस्ते पोर्टल इज़ एन इनिशिएटिव बाय विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी या नन ऑफ द अबव? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सिस्टम की ओर। अभी तक हमने आयुर्वेदा देख लिया है, हमने सिद्धा देखा, हमने यूनानी देखा। अब हम देखते हैं कि ट्रेडिशनल से हम मॉडर्न मेडिसिन की तरफ कैसे मूव किए। तो आपको पता है कि 14th और 15th सेंचुरी के अंदर ब्लैक डेथ हुआ, ग्रेट प्लेग आया यूरोप में। जब ये आया तो जो ट्रस्ट था ट्रेडिशनल मेडिसिन से कहीं ना कहीं उठना शुरू हुआ, और वहाँ के जो लोग थे, फिजिशियंस थे, दे वेंट सर्चिंग फॉर अ मोर साइंटिफिक एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज था यूरोपियन हिस्ट्री के अंदर। तो इससे क्या हुआ कि एक मेजर शिफ्ट आया मेडिकल थिंकिंग में, साइंटिफिक रिसर्च जो हुई वो होनी रिसर्च होनी शुरू हुई, विच स्टार्टेड टू रिप्लेस वेस्टर्न ट्रेडिशंस जो कि हर्बलिज्म, फोर ह्यूमर्स और अदर सच प्री मॉडर्न नोशंस पे बेस्ड थे। जिस तरह से इंडियन मेडिसिन आयुर्वेदा वगैरह ह्यूमर्स पे बेस्ड थी, ऐसी ग्रीक मेडिसिन भी फोर ह्यूमर्स पे बेस्ड थी। ठीक है, तो इंक्रीजिंगली रिसर्च होनी शुरू हुई और साइंटिफिक एविडेंस जो है वो इनकॉर्पोरेट होना शुरू हुआ। तो मॉडर्न मेडिसिन की जो सही मायने में शुरुआत हुई वो एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी हुई, जब एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का डिस्कवरी किया। ठीक है, तो एलोपैथी की अब बिगिनिंग जो है वो वहाँ से मान सकते हैं। तो एलोपैथी, जैसे मैंने आपको बताया था, इट इज़ अ डिसिप्लिन विच एडवोकेट्स थेरेपी, कि अब ऐसी रेमेडीज बॉडी को दें जो कि एक ऑपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस की करे एज कम्पेयर टू जो डिजीज़ का इफेक्ट है, यानी कि जो डिजीज़ ने आपकी बॉडी में इफेक्ट प्रोड्यूस किया है उसके ऑपोजिट इफेक्ट वाली मेडिसिन जो है वो आप देंगे। ठीक है, तो ये एलोपैथी का बेसिस है, इसको मॉडर्न वेस्टर्न और साइंटिफिक मेडिसिन भी कहा जाता है। तो ये तो मॉडर्न मेडिसिन का ग्लोबल बिगिनिंग था। इंडिया के अंदर मॉडर्न मेडिसिन कब बिगिन हुई? जब क्वारंटीन एक्ट ऑफ 1825 लेकर आई ब्रिटिश सरकार, और यही टाइम था जब पब्लिक हेल्थ मूवमेंट जो है वो इंडिया में स्टार्ट हुई। तो वेस्टर्न मेडिसिन का ओरिजिन जो है वो इट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू क्वारंटीन एक्ट ऑफ 1825, और ये प्रीलिम्स का बहुत प्यारा क्वेश्चन इससे बन सकता है। तो अराउंड द सेम टाइम होम्योपैथी जो थी, जो कि जर्मनी में ओरिजिनेट हुई थी, वो इंडिया में आनी शुरू हुई। और होम्योपैथी जो है वो लगभग लेट 18th सेंचुरी जो है वो आप मान सकते हैं, मिड 18th सेंचुरी जो है होम्योपैथी का ओरिजिन जो था वो जर्मनी में हुआ। ठीक है, तो ये भी एक वेस्टर्न मेडिसिन का पार्ट है। तो अब हम देखते हैं होम्योपैथी के बारे में। तो होम्योपैथी के दो आर्टिकल्स थे इस मैगजीन में, जिसको मैंने कंबाइन कर दिया इस डिस्कशन के अंदर। होम्योपैथी के जो ओरिजिन्स हैं वो बेसिकली सैमुअल हानेमान, HFS हानेमान, मैंने आपको बताया था, इनको ओरिजिनेट किया जा सकता है लेट 18th सेंचुरी में, यानी कि 1796। और ये लाइक क्योर्स लाइक के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, सिमिलिया सिमिलिबस करंटर। ठीक है, और ये जो हैं, ये सैमुअल हानेमान की फ़ोटो आप राइट साइड पे देख सकते हैं।
तो अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी अ सब्सटेंस दैट कॉजेज द सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज इन हेल्दी पीपल विल क्योर सिमिलर सिम्टम्स इन सिक पीपल. ठीक है, तो ऐसी चीज जिसने डिजीज के सिम्टम्स प्रोड्यूस किए एक हेल्दी इंसान में, वही सेम चीज जो है वो सिक पीपल में सिमिलर सिम्टम्स को ट्रीट कर सकती है. ठीक है, तो ये होम्योपैथी की बेसिक फिलॉसफी है. अब हम देखते हैं कि होम्योपैथी इंडिया में कैसे आई. होम्योपैथी इंडिया में आई 1810 में, जब डॉक्टर जॉन मार्टिन होनिगबर्गर जो हैं वो होम्योपैथी जो कि सैमुअल हानेमान से सीख कर आए थे वो इंडिया आए और उन्होंने पेशेंट्स को ट्रीट किया विद होम्योपैथी. तो ये बिगिनिंग थी 1810 बाय डॉक्टर जॉन मार्टिन होनिगबर्गर. इन ए सेकेंड विजिट 1839 में जब ये दूसरी बार आए तो इन्होंने महाराजा रंजीत सिंह को ट्रीट किया विद डुलका मारा. तो ये उनको एक डिजीज था जिसके लिए होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लिया उन्होंने डॉक्टर जॉन मार्टिन से. महाराजा रंजीत सिंह जो हैं वो इनसे इतना खुश हो गए तो उन्होंने कहा कि आप होम्योपैथी का जो ट्रीटमेंट है वो इंडिया में फुल फ्लेज शुरू करें. तो होम्योपैथी एक तरह से एज अ फील्ड जो है वो डेवलप होना शुरू हुआ. फर्दर 1861 के अंदर बंगाल के अंदर एक मलेरियल फीवर का एपिडेमिक हो गया था. मलेरिया बहुत तेज़ी से फैल रहा था और एट दिस जंक्चर अराउंड दिस टाइम बाबू राजेंद्र लाल दत्ता जो हैं उन्होंने होम्योपैथी जो है वो प्रैक्टिस करनी शुरू करी विद एस्टाउंडिंग रिजल्ट्स. ठीक है, तो इन्होंने इनकी एक मेजर अचीवमेंट ये थी कि इन्होंने डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार जो कि बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ एलोपैथी थे इनको कन्वर्ट कर दिया टू होम्योपैथी. तो ये इनकी एक मेजर अचीवमेंट थी और ये बहुत ही आप कह लें कि महेंद्र लाल सरकार, बाबू राजेंद्र लाल दत्ता, इन सब के एफर्ट्स की वजह से होम्योपैथी जो है ये फर्मली इंटीग्रेट हो पाया इंडियन सिस्टम ऑफ ऑल्टरनेट मेडिसिन के अंदर. होम्योपैथी की गवर्नेंस देख लेते हैं. जैसे कि हमने सबकी देखी, 73 में सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी बना, 75 में होम्योपैथिक फार्माकोपिया लेबोरेटरी बनी, फिर 75 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी बना, 78 में सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी बनी. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं. अगेन आपको पता नहीं होना चाहिए, सिर्फ ब्रॉड आइडिया जो है, रिसर्च जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिसर्च कौन कर रहा है. सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी जो है वो आज की डेट में होम्योपैथी में रिसर्च कर रही है. तो ये है होम्योपैथी गवर्नेंस इन इंडिया. अब हम आगे बढ़ते हैं सोवा रिगपा पे. सोवा रिगपा जो है ये बेसिकली बुद्धिज्म से कहीं लिंक्ड है. तिब्बत में इसका ओरिजिन माना गया है, ऑल्दो इसमें भी डिबेट है कि क्या इंडिया में ओरिजिनेट हुई थी फिर तिब्बत में गई या तिब्बत में बनी और इंडिया में आई. तो ये एक पॉइंट ऑफ डिबेट है, लेकिन कीपिंग दैट असाइड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सोवा रिगपा. तो सोवा रिगपा के जो ओरिजिन्स हैं मैंने आपको बताया. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आमची सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग एंड वेल डॉक्यूमेंटेड मेडिकल ट्रेडिशंस ऑफ द वर्ल्ड. ये काफ़ी पॉपुलर है तिब्बत, मैग्नोलिया, भूटान, सम पार्ट्स ऑफ चाइना, नेपाल, हिमालयन रीजन्स ऑफ इंडिया एंड फ्यू पार्ट्स ऑफ फॉर्मर सोवियत यूनियन. तो यहाँ पे इसके जो हैं अवशेष जो हैं, मतलब यहाँ कुछ प्रैक्टिसेस जो हैं वो पाई जाती हैं. सोवा रिगपा इंडिया में कैसे आया, कुछ स्कॉलर्स मानते हैं जैसे कि मैंने बताया कि ये इंडिया में ओरिजिनेट हुआ, कुछ कहते हैं चाइना में हुआ, कुछ कहते हैं तिब्बत में हुआ. कीपिंग दैट असाइड ये समझते हैं कि इसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं. इसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो काफ़ी सिमिलर हैं टू आयुर्वेदा. ठीक है, जैसे ह्यूमर्स की बात होती है इसके अंदर भी, ये ह्यूमर्स की बात होती है, दोषों की बात होती है. और सोवा रिगपा की जो डिस्कशन है वो आपको इस योजना मैगजीन में नहीं मिलेगी. मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस आपको सोवा रिगपा का एक ब्रॉड ओवरव्यू मैं देना चाह रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है, तो फर्स्ट आयुर्वेदिक इन्फ्लुएंस जो है वो तिब्बत के अंदर कब हुई, ड्यूरिंग 13th century AD, लेकिन 7th century के बाद वो काफ़ी पॉपुलर हुआ विद द अप्रोच ऑफ बुद्धिज्म टू तिब्बत. क्योंकि आपको पता है कि बुद्धिज्म जो है वो तो इंडिया में ओरिजिनेट हुआ, धीरे धीरे वो तिब्बत में गया, तो साथ ही साथ ये वाली आयुर्वेदिक इन्फ्लुएंसेज जो हैं वो भी गई. इसके बाद इंडियन मेडिकल लिटरेचर जो है वो काफ़ी मेजर उसमें एक्सपोर्ट किया जाने लगा टू तिब्बत अलॉन्ग विद बुद्धिज्म एंड अदर इंडियन आर्ट एंड साइंसेज टिल अर्ली 19th century. तो ये टाइम था जब कल्चरल एक्सचेंजेस बहुत हुए तिब्बत और इंडिया के अंदर और ये मेडिकल ट्रेडिशंस जो हैं वो भी काफ़ी एक्सचेंज हुए. सोवा रिगपा के अंदर गवर्नेंस के अंदर क्या चल रहा है, सेंट्रल काउंसिल फॉर तिब्बतन मेडिसिन है धर्मशाला के अंदर. धर्मशाला कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, जहाँ पे धर्मशाला के ऊपर है मैक्लॉडगंज, जहाँ पे तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल के हेडक्वार्टर्स हैं जिनके हेड हैं दलाई लामा. ठीक है, तो ये रेगुलेट करता है सोवा रिगपा की प्रैक्टिस इंडिया में. ये प्रैक्टिशनर्स को रजिस्टर करता है, स्टैंडर्ड सेटअप करता है कॉलेजेस के लिए और कुछ अदर जो चीज़ें हैं रेगुलेट करने के लिए जो ज़रूरी हैं वो हैंडल करता है सेंट्रल काउंसिल फॉर तिब्बतन मेडिसिन. तो ये है सोवा रिगपा का ओवरव्यू. अब
एक आखिरी जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है इंडिया का ऑल्टरनेट नेचुरोपैथी, उसको जानने की कोशिश करते हैं। इसका एक आर्टिकल है इस मैगजीन में, नेचुरोपैथी द साइंस ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस। तो दोस्तों, नेचुरोपैथी जो है वो बेसिकली एक ड्रगलेस, नॉन इन्वेसिव, रैशनल एंड एविडेंस बेस्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, इम्पार्टिंग ट्रीटमेंट्स विद नेचुरल एलिमेंट्स। तो नेचुरल एलिमेंट्स से ही ट्रीट किया जाता है नेचुरोपैथी में, तभी नाम है नेचुरोपैथी। पैथी मतलब डिजीज, नेचुरो मतलब नेचर, तो नेचुरल तरीके से डिजीज को ट्रीट करना इज नेचुरोपैथी। ठीक है, इसका प्रिंसिपल्स क्या है कि डिजीज़ जो है इट इज़ कॉज्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स। इन टॉक्सिन्स को जब आप एलिमिनेट कर देंगे तो आप एक रोड टू हेल्दी लाइफ जो है वो आप पा सकेंगे। तो नेचुरोपैथी में ट्रीटमेंट कैसे होता है, बेस्ड ऑन फाइव ग्रेट एलिमेंट्स ऑफ नेचर, आपको पता है वो अर्थ, फायर, स्काई, वाटर, एयर। इंटरनल मेडिसिन का, इंटरनल मेडिकेशन मतलब दवाई इसमें कोई नहीं ली जाती, और बहुत ही नेचुरल सिस्टम होता है क्योर करने का। तो जैसे अर्थ से इंस्पायर्ड मड थेरेपी होती है, ठीक है, मड बाथ्स होते हैं, मड पैक्स लगाए जाते हैं। फिर वाटर हाइड्रोथेरेपी दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ बाथ, जेट पैक्स, कंप्रेसेस, इमर्शंस। फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराई जाती हैं, फिर सन बाथ्स, डाइट थेरेपी, फाइनली फास्टिंग थेरेपी। तो ये पाँच आपके एलिमेंट्स हैं, इन पाँच एलिमेंट्स से एसोसिएटेड कुछ थेरेपीज़ हैं। ठीक है, इन थेरेपीज़ का आप यहाँ से भी ये देख सकते हैं, ये कुछ मेजर थेरेपीज़ हैं। फास्टिंग थेरेपी जो कि ईथर एलिमेंट से लिंक्ड है, डाइट थेरेपी, मड थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, मसाज थेरेपी, हीलियोथेरेपी। हीलियो मतलब सन, सन रेज जो हैं, क्योंकि वो अलग अलग कलर्स होते हैं, तो इससे भी ट्रीटमेंट किया जाता है नेचुरोपैथी में। फिर एयर थेरेपी यानी कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, योगा थेरेपी मतलब फिजिकल एक्सरसाइजेज। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से आप थेरेपी जो है नेचुरोपैथी में दी जाती है। अब एक MCQ कर लेते हैं, इंडिया अ वुंडेड सिविलाइजेशन वॉज ऑथर्ड बाय, तो आपकी हिस्ट्री टेस्ट करते हैं, लॉर्ड बेंटिंक, लॉर्ड वेलेसली, लॉर्ड कॉर्नवेलिस या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखें। काफ़ी फेमस किताब है ये, इंडिया अ वुंडेड सिविलाइजेशन, एंड इट इज़ पार्ट ऑफ अ ट्रिलजी। तीन बुक्स में से एक बुक ये है, इस ऑथर ने दो बुक्स और लिखी हैं, तो इसका आंसर कॉमेंट सेक्शन में लिखें। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑल्टरनेट, मैंने आपको बताया था ऑल्टरनेट सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन के दो पार्ट्स हैं, पहले हमने डिस्कशन कर लिया इंडिविजुअल सिस्टम का, अब हम देखते हैं कि इसके अंदर गवर्नेंस क्या है। तो मैं ये ओवरऑल अब आपको बता रहा हूँ। 1995 में एक डिपार्टमेंट फॉर इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी इस्टेब्लिश किया गया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ टू रेगुलेट एंड प्रमोट इंडियन ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन। 2002 के अंदर नेशनल पॉलिसी लेके आए गवर्नमेंट इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी पे। 2003 में इस डिपार्टमेंट का नाम, यानी कि ये जो डिपार्टमेंट था उसको रीनेम कर दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, क्योंकि इनिशियली इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी था, अब इसको प्रॉपर डिस्क्राइब कर दिया गया आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। इसके अलावा योगा के साथ क्लब किया जाता है नेचुरोपैथी को। ठीक है, तो 2014 में इस डिपार्टमेंट को एक अलग से मिनिस्ट्री बना दिया गया टू पुट फोकस ऑन दैट। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है वो 2014 में बन गई। फाइनेंशियल एलोकेशन आयुष को आप देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, ऑल दो बस ये ट्रेंड दिखाने के लिए है, आपको फिगर्स याद करने की जरूरत नहीं है। फिर कुछ ASM जो है, ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन, वो नंबर्स में समझते हैं। करंटली जो आयुष सर्विसेज को यूटिलाइज किया जा रहा है, दैट इज 5-10% ऑफ टोटल हेल्थ सर्विस यूटिलाइजेशन। ठीक है, और ये किया जा रहा है वाया अबाउट 4000 हॉस्पिटल्स और 28000 डिस्पेंसरीज जो कि ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बनी हुई हैं। ठीक है, और ये जो नीचे चार्ट है, अगेन ये फिगर्स से आपको ज़्यादा कंसर्न नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपको ब्रॉड ट्रेंड पता होना चाहिए। तो इसके प्रैक्टिशनर्स कितने हैं, आयुष के आप प्रैक्टिशनर्स देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा जो हैं वो आयुर्वेदा के हैं, लगभग 50% से ज़्यादा। फिर यूनानी के हैं, उसके बाद आयुर्वेदा के बाद होम्योपैथी के सबसे ज़्यादा हैं, फिर यूनानी के हैं, फिर सिद्धा, फिर नेचुरोपैथी। और टोटल ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन के प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो 7 लाख से ज़्यादा हैं। इंस्टीट्यूशंस जो हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल पे वो 600 से ज़्यादा हैं, जिनकी इनटेक एनुअल है 40,000 से ज़्यादा। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे 200 इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी इनटेक है 5,000 से ज़्यादा। ये फिगर से आपको कंसर्न नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये जो फिगर है ये एक इंटरेस्टिंग फिगर है कि 7 लाख से ज़्यादा प्रैक्टिशनर्स हैं, जिसमें मेजॉरिटी आयुर्वेदा और होम्योपैथी के हैं। ठीक है, तो वे फॉरवर्ड क्या है इस पूरी ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन के? तो सबसे पहला जो वे फॉरवर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान रखें इसको, आयुष को आप फंक्शनली लिंक करें विद योर अदर मॉडर्न जो मेडिसिन है। ठीक है, इसके आप सर्विस डिलीवरी जो है वो इंटीग्रेट करें, यानी कि जब आप एलोपैथी डिलीवर कर रहे हैं अलग अलग जगह, वहाँ पे आप आयुष सर्विसेज को भी इंटीग्रेट करें, ताकि क्योंकि आयुष सर्विसेज, ये जो ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, ये
प्रिवेंटिव और प्रमोटिव रोल, मतलब हेल्थ प्रमोट करना और डिजीजेस को प्रिवेंट करना, इन सब में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आयुष मेडिसिन का। तो इसको आप इंटीग्रेट करें अपने बाकी सिस्टम्स के साथ। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी में कुछ वैक्सीनेशन और वो सब किया जा रहा है, तो आयुष सर्विसेज को भी इंटीग्रेट किया जाए, ठीक है। फिर योगा को आप इंक्लूड करें वर्क प्लेस, स्कूल्स और कम्युनिटी लेवल पे, और ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है इन लाइट ऑफ इंक्रीजिंग बर्डन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। आपको पता है इंडिया एक एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन में है, मतलब एपिडेमिक्स मतलब जो डिजीजेज है, जो डिजीज ट्रांजिशन है वो हो रहा है फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीजेज टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जैसे कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, हाइपरटेंशन होना, ठीक है, इस सब के डिजीजेज को ट्रीट करने के लिए जैसा कि मैंने बताया योगा जो है और आयुष ओवरऑल जो है बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही अच्छी चीज़ है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इस ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन में नॉलेज बेस डेवलप करें, रिसर्च प्रमोट करें और साइंटिफिक एविडेंस को इंटीग्रेट करें। जैसे हमने नीमहांस की डिस्कशन करी थी, नीमहांस बैंगलोर, वो ब्रेन मैपिंग के थ्रू पता लगा रहा है कि योगा के बाद कैसे फ़र्क पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को, साइंटिफिक एविडेंस को भी आप इंटीग्रेट करना शुरू करें ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, तभी इस पूरे सिस्टम का बहुत ही एक ब्राइट फ्यूचर जो है वो हम इंडिया में देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों ये एक आर्टिकल है इस मैगजीन में, योगा फॉर लाइफस्टाइल चेंजेस, इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको ये एक चीज़ बताना चाहता हूं कि ये जो आर्टिकल है ये आपकी पर्सनल फिटनेस के लिए बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ें और अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करें, और इससे मैं बता रहा हूं आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है आपके प्रिपरेशन स्टाइल पे, आपकी परफॉर्मेंस पे। तो इस आर्टिकल को ज़रूर पढ़ें, इस मैगज़ीन को ख़रीद के, बहुत ही सस्ती मैगज़ीन है, कुल 22 रुपए की आती है, इसको ख़रीदें और ये आर्टिकल इसमें से पढ़ें। और इसमें बी के एस आयंगर जो है उनका बहुत ही प्यारा कोट दे रखा है। बी के एस आयंगर बेसिकली एक बहुत ही प्रोपोनेंट, फेमस प्रोपोनेंट थे जो कि योगा को बाहर वेस्टर्न कंट्रीज़ में लेकर गए। इनके योगा को आयंगर योगा भी कहा जाता है। तो इनकी कोटेशन देखते हैं, इफ़ यू मस्ट बी मैड, बी इट नॉट फॉर द मटीरियलिस्टिक थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, बी मैड विद द लव ऑफ योगा। ठीक है, इसमें योगा जो है, इट इज़ नॉट जस्ट फिजिकल एक्सरसाइजेस बट यूनियन विद गॉड, आत्मा का परमात्मा से मिलन। तो दोस्तों ये योजना मैगजीन की डिस्कशन जो है वो शुरू जो ख़त्म होती है, और ओवरऑल मैं बताना चाहूँगा कि ये जो इशू है ये बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें से सवाल मेंस के लिए नहीं बन सकते, बहुत ही ब्रॉड आइडिया होना चाहिए, और इसमें से मैंने वही चीज़ें डिस्कस की हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए जनरली रेलिवेंट हैं, ठीक है। और इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक ग्रुप से, दोनों का ही नाम IAS Prep with Mohit है। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे, मेरा हैंडल है @JindalMohit। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट, और प्रीलिम्स अब ख़त्म हो चुका है, मेंस की प्रतियोगिता जो है वो होने वाली है, बिल्कुल ही फोकस से पढ़ें, बिल्कुल मन लगाकर पढ़ें, और योगा जो है जो कि इस इशू का मेन टॉपिक था उसको आप ज़रूर एम्बाइब करें अपनी लाइफ में टू इंक्रीज़ योर परफॉर्मेंस एंड फाइनली गेट सेलेक्टेड इनटू द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में लिखें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और मिलते हैं जल्द ही अगले योजना के इशू के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।